सो नाउ वी गोना स्टडी अकाउंटेंसी लेक्चर नंबर टू, अगेन अकाउंटिंग बेसिक्स। अभी आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अकाउंटिंग का ना एक एक स्टैंडर्ड होता है कि आप अकाउंटिंग उसी तरह से करो, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनको वो अकाउंटिंग जो आपने करी है वो समझनी है। तो ऑब्वियसली इसलिए क्या हुआ, कुछ रूल्स बनना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा अकाउंटिंग कैसे करनी है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अकाउंटिंग अगर आपको बतानी है कि किस तरह से होगी तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ सेट स्टैंडर्ड होने चाहिए। सो देर आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच वी से दे आर सेट ऑफ रूल्स। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स, यू हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स। अगेन वी विल नॉट डू इन वन गो ऑल द स्टैंडर्ड्स, और आई मीन टू से वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द प्रिंसिपल्स। हम लोग अभी वही करेंगे जो हमारे को इस सेकेंड लेक्चर में काम आएंगे। सो अपने जो काम आने वाले तीन प्रिंसिपल्स हैं जो अपने को चाहिए, वो तीनों प्रिंसिपल हैं। नंबर वन, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्पेसिफाई? दिस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि आज अपन ने, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया, आई विल कैरी फॉरवर्ड द सेम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉल्ड अपॉन एट डोमिनोज सेंटर, फ़ोन करके अपन ने उसको फ़ोन पे पूछा कि आपका डोमिनोज कहाँ पे लोकेटेड है। उसने कहा हमारा डोमिनोज एक्स वाई जगह लोकेटेड है। हमने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर हमने उसको या किसी और आदमी ने उसको दिन में वापस फ़ोन किया, पूछा आपके यहाँ पे कौन कौन से तरीके के पिज़्ज़ा हैं। उसने नाम बता दिए, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इवनिंग में फिर उसके पास एक फ़ोन आया, फ़ोन उठा के आदमी ने पूछा कि आपके यहाँ पे जो चीज़ बस पिज़्ज़ा मिलता है मीडियम का, उसकी कॉस्ट क्या है? उसने बोला 500 रुपीज़। सामने वाले ने डिस्कनेक्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था कि देर इज़ नंबर वन प्रोसेस विच इज़ रिकॉर्डिंग। तो आज हम रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन। बिकॉज अगर हमारे पास ऐसे दिन में 200 फ़ोन आ गए तो आपको लगता है इन फ़ोन की डिटेल मेंटेन करना भी ज़रूरी है अकाउंट्स में? ऑब्वियसली नॉट। अदरवाइज आपको पता पड़ेगा कि आपके मोर ओवर जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उतने तो स्टाफ सिर्फ आपको अकाउंटिंग में लगे हुए हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज़ मनी मेजरमेंट। यू विल ओनली रिकॉर्ड दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा अपनी बॉम्बे, दिल्ली और जोधपुर में ब्रांच है। मुंबई में हमारा 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, अपना दिल्ली में 2 करोड़ हुआ था और अपना जोधपुर में 3 करोड़ हुआ था। तो ऑब्वियसली हमने जब उसको इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, तो हमें पता पड़ा कि जो हमारी जोधपुर ब्रांच है दैट इज मेकिंग प्रॉफिट बिकॉज देर इज वन पर्सन नेम्ड मिस्टर एक्स, ही इज वर्किंग देयर। सो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, अगर मैं कहूं कि तीनों ब्रांच में से प्रॉफिटेबल वो क्यों थी, क्योंकि वहां पे मिस्टर एक्स नाम का आदमी था। अब मैंने कहा मिस्टर एक्स अगर वहां से छोड़ के चले जाता है तो हमें एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस हमें पता है कि आज हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल गाय जो हमारे लिए मेहनत करके जोधपुर जैसी जगह को बॉम्बे और दिल्ली से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया। सो हमें अपार्ट फ्रॉम अकाउंट से पता है कि यार वो आदमी बहुत प्रॉफिटेबल है, वो छोड़ के जा रहा है तो हमें फ्यूचर में क्या होगा, नुकसान होगा। बट हम अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। व्हाई वी विल नॉट रिकॉर्ड? बिकॉज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी, एंड दिस ट्रांजेक्शन वी कैन नॉट मेजर इन मनी। सो देयरफॉर मनी मेजरमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस कि अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग पड़ी थी हमने अकाउंटिंग में, वो बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग पड़ी थी, रिकॉर्डिंग उन्हीं चीजों की होगी जिनको हम किसके टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में। सो नंबर वन प्रिंसिपल इज दिस। नंबर टू प्रिंसिपल, व्हेन आई से सो नंबर टू प्रिंसिपल इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और आई विल से अक्रूवल प्रिंसिपल। व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्पेसिफाई? मैंने कहा अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको क्या बताएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले छोटा सा अपन कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट समझने की। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि हम लोग समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, क्या बताया था? समरी। समरी क्यों बनाते हैं? बिकॉज ओनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करे। जब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करने के लिए, तो वो अपने स्टाफ को बोलेगा, अपने अकाउंटेंट को बोलेगा, एट द एंड ऑफ ईयर वन आई वॉन्ट के पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। मैं आपको एक
छोटा सा यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू जो था वो था रेवेन्यू, यहाँ पे जो भी होता है अपन लिखते हैं, उसमें से हम जो भी साल भर में जो हमने एक्सपेंसेस किए वो हम लिखते हैं और वो रेवेन्यू में से अपन माइनस करते हैं, अल्टीमेटली वी गेट आर प्रॉफिट और आई विल से वी गेट आर लॉस, वट एवर द केस में भी। अब मैंने कहा यार कि अगर मैं इस पूरे ट्रांजेक्शन को देखूं, इस पूरे ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व करूं, इस पूरे समरी को, एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करूं, तो आई गेट टू नो कि हाउ आई विल गेट माई प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आई गेट माई प्रॉफिट। अब मैंने कहा बट देर माइट बी अ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा यार पूरे साल भर में जो मेरा रेवेन्यू था, अगेन रेवेन्यू मतलब होता है जो भी पैसा आपको मिलेगा किस वजह से, क्योंकि या तो आपने किसी को माल बेचा है, गुड्स बेचे हैं, या फिर आपने किसी को सर्विसेज दिए हैं, सेवाएं देने के अगेंस्ट आप जो पैसा कलेक्ट करते हो, दैट इज रेवेन्यू। तो मैंने कहा रेवेन्यू के दो पार्ट बना दिए मैंने। मैंने कहा एक तो रेवेन्यू वो जो मुझे रिसीव हो गया है, मैंने कहा जो रेवेन्यू मुझे रिसीव्ड हो गया है वो तो था फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ रुपए। पर मैंने कहा आपको भी पता होगा कंपनीज में आज आपने गुड्स बेचे या आपने किसी को कोई सेवाएं दी, सर्विसेज दी, ऑटोमेटिकली आप कई बार उनको क्रेडिट पीरियड भी देते हो कि जरूरी नहीं है आपको आज ही पैसा देना है, यू माइट टेक सम टाइम, यू माइट गिव सम टाइम टू दोज पीपल इन ऑर्डर टू पे। तो मैंने कहा साल भर में ऐसी सिचुएशन भी है कि कुछ पैसा है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, आई विल से द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, एंड दैट अमाउंट इज 0.5 करोड़, दैट इज 50 लाख, क्लियर है। अब मैंने कहा व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपेंसेस तो सेम सिचुएशन माइट एग्जिस्ट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने कहा हो सकता है साल भर में जो आपके टोटल खर्चे हों वो ज्यादा हों, बट मैंने कहा उन दो खर्चों के कुछ पार्ट हो सकता है, या तो मैंने कहा पेड या मैंने कहा पेएबल। So, मैंने कहा अगर मैं पेड की बात करूं तो करंट ईयर में मैंने जो एक्सपेंसेस पे किए वो एक्सपेंसेस थे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ और जो पेएबल है वो है 0.20 करोड़, मतलब 20 लाख। सो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि साल भर में मेरा खर्चा हुआ था 1.2 करोड़ जिसमें से मैंने 1 करोड़ तो पे कर दिया एंड 20 लाख इज स्टिल पेएबल। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब मैं रेवेन्यू 1.5 करोड़ मानूं या मेरा क्वेश्चन है रेवेन्यू में 2 करोड़ मानूं। मेरा दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा एक्सपेंसेस मैं 1 करोड़ मानूं या एक्सपेंसेस मैं 1.2 करोड़ मानूं, बिकॉज इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आई विल गिव यू अ सिचुएशन कि जहां मैंने 1.5 करोड़ माना और मैंने नीचे 1 करोड़ माना और अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आ गया 0.5 करोड़, ठीक है। अब ईयर 1 के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ओनर को लगता है कि 0.5 करोड़ तो कम है यार, तो ऑटोमेटिकली ये 0.5 करोड़ कब रिसीव होगा, अगले साल। हो सकता है अगले साल मेरी एक्चुअल सेल सिर्फ 1.2 करोड़ हो और ये 0.5 करोड़ जो इस साल की है वो अगले साल मैंने रेवेन्यू मान लिया। तो इन ऑल ईयर इस साल की जो सेल थी, इस साल जो मैंने माल बेचा था वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड होगा अगले साल, वो प्रॉफिट में आएगा अगले साल। तो ऑटोमेटिकली जो ओनर है उसको समरी देख के सही पिक्चर नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अक्रूअल एक कॉन्सेप्ट है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, इट इज नॉट द रेवेन्यू विच यू हैव रिसीव्ड, ओके, इट इज नॉट द रेवेन्यू विच यू हैव नॉट रिसीव्ड, इट इज द रेवेन्यू विच यू हैव अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस साल जो आपने अर्न किया है वो रेवेन्यू आप यहां लिखोगे, विच इज 2 करोड़ इन आर एग्जाम्पल, क्योंकि 1.5 करोड़ तो हमें इस साल हमने जो सर्विसेज दी मिल गए और 0.5 करोड़ हमें फ्यूचर में मिलेंगे, बट अगेन दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू इज अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर। इट इज इररिलेवेंट वेदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट, व्हाट इज रिलेवेंट वेदर वी हैव अर्नड इन द करंट ईयर और नॉट। अगेन आई विल से अगर मैं कहूं मैंने रेवेन्यू रिसीव किया 1.5 CR, इस रेवेन्यू में से भी अगर मैं कहूं 0.5 CR या 0.2 CR वो था जो पिछले साल का था, सो इट नीड्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड ऑल्सो, बिकॉज इट इज नॉट अर्नड इन द करंट ईयर, इट इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। सो व्हेन आई से 2 करोड़, इट मींस व्हाट, कि मेरा रेवेन्यू जो मैंने इस साल अर्न किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर आई हैव रिसीव्ड और नॉट, इट विल बी रिकॉर्डेड एज माय करंट ईयर रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में भी सेम, इट इज इररिलेवेंट वेदर आई हैव पेड और नॉट, व्हाट इज रिलेवेंट वेदर आई हैव रिसीव्ड द बेनिफिट इन द करंट ईयर और नॉट। मतलब इस साल मैंने कोई बेनिफिट उठा लिया, पेमेंट मैं अगले साल करूंगा, कोई मतलब नहीं है। खर्चा कब रिकॉर्ड होगा, मेरा एक्सपेंसेस कब माना जाएगा, करंट ईयर में, इसलिए मेरा एक्सपेंसेस होगा 1.2 CR, सो माई टोटल प्रॉफिट विल बी 0.8 CR, आई विल से दिस इज माई प्रॉफिट।
I hope this is making sense. You are able to understand the use of accrual concept. In order to give the true picture of the current year to the owner, we prepare a summary like this, in which we record all the revenue which is earned during the current year. We record all the expenses expensed during the current year, irrespective of the fact whether the revenue is received or the expenses is not received. So I hope this is clear. So we have done concept number one. We have done concept number two. Let's come back to the third part. Third concept which we want to cover today, that is accounting period concept, or I will say accounting period principle. What does this say? मैंने कहा कि आपको सेट ऑफ रूल्स बता दिया क्या होता है, मेजर मनी में कर सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर अपन ने समरी बता दिया. अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल कि आज अपन ने बिजनेस चालू किया एंड टुडे इज विच ईयर. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 1 April 2016, इट विल एंड इन 31 March 2017. ठीक है, बट अगेन मैं कह रहा हूँ मैंने बिजनेस जो चालू किया ना, मैं ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे, रादर देन मैंने कहा मैं 16-17 में चालू किया बिजनेस. मैंने कहा मेरा बिजनेस खत्म होगा 76-77 ईयर में, मतलब 2076-2077. मैंने कहा मेरा बिजनेस की लाइफ कितनी हो गई, मैंने कहा लाइफ इज 60 ईयर्स. ठीक है, तो मैंने कहा जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आज हम बोलते हैं कि ओनर को जो ये समरी मिलनी है ना, ये हम उसको आज ही नहीं देंगे, वी विल वेट फॉर 60 ईयर्स. हम कहेंगे कि पूरी लाइफ का जो कंप्लीट समरी है ना, वो हम एक साथ दे देंगे उसको ईयर वाइज, या हम उसको 60 ईयर्स की एक साथ ही बता देंगे 60 ईयर्स के बाद कि है ना तुम्हें प्रॉफिट 10 करोड़ का हुआ, 20 करोड़ का, या तुमने 1 करोड़ का नुकसान किया, 2 करोड़ का. डू यू रियली थिंक दिस विल मेक सेंस फॉर द ओनर? ऑब्वियसली नॉट. बिकॉज अगर ओनर को हम 60 साल का एक साथ समरी देंगे ना, तो ओनर उसका क्या करेगा? बिकॉज अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 अकाउंटिंग बेसिक्स में एक्सप्लेन किया था, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि वी विल ऑल्सो इंटरप्रेट एंड एनालाइज, एंड वी विल बी यूजिंग दोज एनालिसिस फॉर आर फ्यूचर प्रॉफिट. वी वॉन्ट टू कन्वर्ट लॉसेज इन टू प्रॉफिट, वी वॉन्ट टू इंक्रीज आर प्रॉफिट टू अ नेक्स्ट लेवल. सो ऑटोमेटिकली वेन आई से दिस पर्टिकुलर थिंग, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 60 ईयर्स का एक साथ समरी दोगे, यूजलेस फॉर इट, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो गया, एनालिसिस करके आगे करोगे क्या? तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. वो कहता है कंप्लीट लाइफ शुड बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल स्मॉल पार्ट, and each part will be known as accounting period. Each part will be known as what? Accounting period. हर एक part अपने आप में एक accounting period होगा, और हम लोग ये जो भी summary बनाएंगे, ये accounting period wise बनाएंगे. हम लोग एक separate accounting period बनाएंगे, उसकी separate summary होगी, so that owner उस साल का profit या loss देख के अपने future की planning कर सके. I hope three of the principles are clear. Number one, money measurement. Only those things which can be measured in terms of money should be recorded. Number two, accrual concept, which says that whatever amount we will be recording as our revenue, it will not be only the amount we have received, it is also the amount which we have not received. But the condition is that we should earn that revenue in the current year. Number two, expenses. Expenses should not be the one which we have paid, but also include the amount which we have expensed in the current year, whether we have paid or we have not paid. Again, third part, accounting period concept, it says that the complete life of the business should be divided into small, small part, and each part will be known as accounting period. Why we need to do this, go for this principle? Because if you'll give the summary of the complete 60 years to the business in one go, trust me, they'll not be able to use, because accounting, the last part is interpretation analysis, which they'll not be able to do because the future will not be their company. Now, we will start with the second part. We will start with the next part. इन तीनों प्रिंसिपल को यूज करेंगे. देर आर अगेन देर आर अदर प्रिंसिपल्स ऑल्सो, बट इन आर लेक्चर वॉट विल बी यूटिलाइजिंग इज दैट दोज थ्री प्रिंसिपल विच आई गोना डिस्कस इन. नाउ वी गोना स्टडी अबाउट अ टर्म नेम्ड एज एक्सपेंडिचर. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, यू नो, इन अ जनरल मीनिंग इट मीन्स इनकरिंग कॉस्ट. Incurring cost. Okay. See, as a normal human being, why you will incur a cost? आप कहाँ अपनी cost लगाएंगे और क्यों cost लगाएंगे? So the simple answer is that हम लोग cost इसलिए लगाते हैं because we want some benefit out of it. What we want? We want a benefit out of it. Okay. हमें जब भी कोई benefit चाहिए होता है, हम कोई ना कोई cost incur करते हैं. अब मैंने कहा ये बेनिफिट पे डिपेंड करता है, मतलब यू नो व्हेन वी से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स, और आई विल से एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट, एंड नंबर वन पार्ट इज नोन एज
capital expenditure. And number two part is known as revenue expenditure. When I talk about capital expenditure, what does it mean? And when I talk about revenue expenditure, what does it mean? See, the benefit which I was talking about means any benefit, any profit that we will get after incurring this particular cost. This benefit which we are studying here will derive, will define what is capital and what is revenue. For example, if I say, जो मैंने cost incur करी, उसका benefit will be received in future. क्या बोला मैंने? मैंने कहा benefit will be received in future. तो अगर benefit हमें future में receive हो रहा है, तो automatically that will become capital expenditure. वो हमारा capital expenditure होगा. अगर मैं कहूँ कि benefit will be received in present year, or I will say in current year, so I will say that particular expenditure is my revenue expenditure. So again, let's understand. मैंने कहा benefit will be received in future years, so that particular part will be my capital expenditure. अगर मैंने कहा मैंने कोई खर्चा किया, मैंने कोई कॉस्ट लगाई, मैंने कहा वो कॉस्ट का बेनिफिट देख के मुझे पता पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. अगर मैंने कहा बेनिफिट मुझे इसी साल नहीं मिल रहा है, मतलब भविष्य में मिल रहा है, फ्यूचर में, सो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर विल बी माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. इफ आई से बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर, आई विल से दैट विल बी माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगेन इफ आई जस्ट स्पेसिफाई, तो मैं थोड़ा सा और इधर आके आपको वापस वो समरी वाला पॉइंट पे लेके आऊंगा, जिसके अपन ने अभी दो तीन अच्छे से प्रिंसिपल के थ्रू अपन ने समझा है. मैंने कहा समरी में मैंने आपको बताया था कि एक रेवेन्यू होता है, और मैंने आपको बताया था उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हो. जब आप रेवेन्यू में से ये एक्सपेंसेस माइनस करते हो, तो देन यू विल गेट समथिंग विच इज योर प्रॉफिट. Why you have to calculate your true profit? आपको सबसे बिल्कुल सही profit चाहिए अपने साल का, so that आप interpret और analyze करके आप इसमें amendment कर सको अपनी current way of doing business को, so that profit बढ़े या loss कम हो जाए. अब मैंने कहा इस particular situation में, मैंने कहा आपको last में accrual में बताया था, मैंने कहा revenue मतलब क्या होता है? Revenue मतलब वो चीज जो आपने current year में earn करी है, भले ही आपने receive करी हो या receive नहीं करी हो. एक्सपेंसेस का मैंने क्या किया था? एक्सपेंसेस मतलब अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट रिसीव्ड इन करंट ईयर. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज अगर मैंने बेनिफिट रिसीव्ड इन करंट ईयर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज अगर मैंने एक्सपेंडिचर किया, मतलब एक एक्सपेंडिचर किया, और उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो मुझे है वो करंट ईयर में नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा, तो वहां एक्सपेंसिस में भी वो अमाउंट नहीं लिखूंगा. अरे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा यार, आज अगर मैंने रेंट दे रहा हूं, मतलब रेंट एक मेरा एक्सपेंडिचर है. क्यों एक्सपेंडिचर है? क्योंकि रेंट एक कॉस्ट है मेरे लिए. रेंट कॉस्ट क्यों है? और रेंट कॉस्ट में मुझे, मैं कॉस्ट इनकर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं रेंट दूंगा तो ही मुझे राइट टू यूज मिलेगा प्रॉपर्टी का. मतलब अगर मैंने रेंट दिया ही नहीं, तो कैन आई यूज द प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली नॉट. So whenever I say I'm paying rent, it means I'm acquiring a right to use. मेरे को एक use करने का right मिल रहा है. अब मैंने कहा this is what? Right to use is what? According to our definition, it is the benefit. It means the benefit that we are receiving. Okay? So ये benefit मुझे मिल रहा है. इस benefit के लिए मैं cost incur कर रहा हूँ. But मैंने कहा मेरा जो per year का rent है, it is 1,20,000. But you know, I am a busy person, so I said कि मुझे 1,20,000 का जो रेंट है ना, वो मुझे हर साल बार बार नहीं देना. तो मैंने कहा यू डू वन थिंग, यू कलेक्ट रेंट फॉर 3 years फ्रॉम मी डायरेक्टली राइट नाउ, बिकॉज एवरी ईयर आई कांट पे. सो व्हाट आई डिड, आई हैव पेड ₹3,60,000. बट यू नो व्हेन आई विल बी प्रिपेयरिंग माय समरी, मैं इस 3,60,000 को बाइफर्केट करूंगा. सी अगेन, इट इज एन एक्सपेंडिचर बिकॉज आई एम इनकरिंग कॉस्ट, आई एम गेटिंग बेनिफिट. रेंट इज माई कॉस्ट, आई एम गेटिंग बेनिफिट राइट टू यूज. तो मैंने कहा ये जो 3,60,000 रुपए है ना, ये मैं दे रहा हूं, तो दिस इज माई एक्सपेंडिचर. बट अगेन दिस 3,60,000 विल बी माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल डिपेंड ऑन द बेनिफिट. एक बात बताओ, ये बेनिफिट मुझे कितने साल का मिल रहा है? मैंने कहा बेनिफिट मुझे मिल रहा है 3 साल का, क्योंकि पर ईयर अगर मेरा रेंट 1,20,000 है, सो 3 साल का रेंट कितना हो गया? 3,60,000. तो मैंने कहा 3 साल का मुझे बेनिफिट मिलेगा. बट दिस बेनिफिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो करंट ईयर का 1 साल और फ्यूचर के 2 years.
तो कहना है इसे 360,000 के मैं दो बाइफरकेशन कर सकता हूं कि 1,20,000 इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग 360 माइनस 120 240 इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई इट इज कैपिटल? बिकॉज नेक्स्ट टू इयर्स मुझे फायदा मिलेगा. व्हाई दिस वन ईयर इज माय एक्सपेंस? बिकॉज आई एम गेटिंग बेनिफिट इन द करंट ईयर. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द डिफरेंस. जो बेनिफिट आपको इस साल मिल रहा है उसके लिए जो आप कॉस्ट लगा रहे हो दैट इज योर रेवेन्यू, और जो कॉस्ट आप लगा रहे हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल रहा है दैट इज कैपिटल. अगेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बायफर्केट? बिकॉज अंटिल लेस यू डोंट नो व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल, यू डोंट नो अबाउट द बेनिफिट पार्ट, अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? बिकॉज यहां एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है. सो अल्टीमेटली इफ यू डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, यू विल नेवर बी एबल टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट, बिकॉज यू विल नॉट बी अवेयर कि मुझे यहाँ नुकसान क्या लिखना है. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर योर एक्सपेंसेस. सो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस यू शुड नो व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल. फर्स्ट यू शुड नो एक्सपेंडिचर, देन यू शुड नो हाउ टू बायफर्केट, एंड देन अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट योर ट्रू प्रॉफिट. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Now, what we'll be studying now, okay, what should be the point that we should keep in mind in order to differentiate between revenue or capital? Yeah, main jab bhi differentiate karunga किसी भी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और कैपिटल में, तो व्हाट पॉइंट्स आई शुड कीप इन माइंड एंड हाउ व्हाट थंब रूल्स आई शुड हैव कि मैं उनसे डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि ये मेरा रेवेन्यू है या मेरा ये कैपिटल है. सो आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इनोवेटिव थिंग, बिकॉज दिस विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. नंबर वन, सबसे पहले आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी अर्निंग कैपेसिटी. अगर मैं कहूँ मैं कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करता हूँ जिसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई नीड टू चेक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर माई अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग और माई अर्निंग कैपेसिटी विल रिमेन सेम. बिकॉज अगेन आप कभी भी एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करोगे जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो तो कभी ऑप्शन ही नहीं है. मैंने कहा मेरी अर्निंग कैपेसिटी या तो इंक्रीज होगी या वो सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन और टू एग्जाम्पल, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. मैंने कहा कि आज मैंने एक थिएटर है, ये स्क्रीन है उसकी, स्क्रीन साइज मतलब यू नो इतनी स्क्रीन साइज है उसकी, ओके. एंड इस थिएटर में आज मैं कहूँगा कि यू नो छह कुर्सियाँ हैं, मतलब छह ही कुर्सियाँ हैं, रॉयल कुर्सियाँ हैं, छह ही हैं. अब मैंने कहा अगर मैं इस थिएटर में ये स्क्रीन मैंने बना के रखी है, अब मैं एक एक्सपेंडिचर करता हूँ जिससे मैं स्क्रीन साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है. तो मैंने कहा दिस विल बी द इंक्रीज इन स्क्रीन साइज, इंक्रीज इन स्क्रीन साइज, कि मैंने थिएटर की ना जो स्क्रीन की साइज थी ना वो मैंने बढ़ा दी. तो अगर मैंने इस थिएटर की स्क्रीन साइज बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का खर्चा किया, इफ आई आस्क यू टेल मी वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, सो यू शुड हैव सम थंब रूल टू डिफरेंशिएट के कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा. तो मैंने कहा सबसे पहला है अर्निंग कैपेसिटी, एंड दीज आर रूल नंबर वाइज, यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट दिस रूल. सो अगेन एक बात बताओ, अगर थिएटर में पहले स्क्रीन छोटी थी तो ऑब्वियसली अपन कहेंगे 100 रुपए की टिकट मिलती होगी फॉर एग्जांपल. जैसे ही मैंने कहा इन स्क्रीन साइज को हमने बढ़ा दिया, स्क्रीन साइज को हमने इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली दिस प्राइस विल आल्सो इंक्रीज आइदर फ्रॉम 100 to 200 या 100 to 150. सो अल्टीमेटली नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन योर अर्निंग कैपेसिटी. ये हमारी अर्निंग को इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज हमारी एक साल नहीं होगी, अर्निंग चलता रहेगा. सो व्हेन आई से इट विल इंक्रीज माय अर्निंग कैपेसिटी, ऑटोमेटिकली इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके. सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेनेवर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच विल इंक्रीज अल्टीमेटली योर अर्निंग कैपेसिटी, आई विल से दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. बट अगेन अगर आप कहते हो सर इंक्रीज कर रहा है तो ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है वो सेम ही है, तो मैं कहूंगा फिर देन गो टू पॉइंट नंबर टू, ठीक है. व्हाट इज पॉइंट नंबर टू? मैंने कहा पॉइंट नंबर टू इज आई विल गिव यू अ टेबल काइंड ऑफ थिंग, यू हैव टू वेरीफाई दैट. मैंने कहा आपको ये चेक करना है, ये दो पॉइंट चेक करने हैं. नंबर वन इज रेकरिंग. मैंने कहा व्हाट डज दिस रेकरिंग मीन्स? रेकरिंग मतलब होता है बार बार.
तो अगर मैंने कहा जो एक्सपेंडिचर यहां अंडर क्वेश्चन है, दैट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू और कैपिटल, मैंने कहा फर्स्ट आई विल चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग माई अर्निंग कैपेसिटी और इट इज नॉट अर्निंग. इफ आई एम सेइंग इट इज नॉट इंक्रीजिंग माई अर्निंग कैपेसिटी इज सेम, देन आई विल गो टू पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू सेज दैट यू हैव टू चेक कि वो जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो रेकरिंग है या रेकरिंग नहीं है. मैंने कहा रेकरिंग मतलब होता है बार बार. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सैलरी, एग्जाम्पल क्या है सैलरी. मैंने कहा अगेन सैलरी क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है या सेम रख रही है, यू डोंट नो बिकॉज यू माइट हायर अ एम्प्लॉई, दैट एम्प्लॉई माइट नॉट बी वर्किंग. तो जब वो एम्प्लॉई काम ही नहीं कर रहा है तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी हो सकता है सेम ही रहे. या कई बार ऐसा होता है कि हमने एम्प्लॉई मतलब जो वर्कर होते हैं वो तो फैक्ट्री में काम करते हैं और जो जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं दे वर्क इन द ऑफिस. सो द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑफिस एक्चुअली दे विल नॉट इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी, दे आर जस्ट सिंप्लीफाइंग योर वर्क. तो वो लोग आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कभी इंक्रीज नहीं करते हैं. तो अब आपको कैसे पता पड़ेगा वो कैपिटल की रेवेन्यू. मैंने कहा यहां तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम है. वी विल कम टू दिस पॉइंट. वी विल ट्राई टू थिंक इट इज रेकरिंग और इट इज नॉन रेकरिंग. This particular expenditure of salary, they are working for you. So they'll ask for the salary in April, May, June, every month. So it is a recurring kind of thing. So therefore, that particular expenditure will be revenue. Second, I will say, is it related to my operations? First of all, what are operations? देखो कुछ terms आपके accounts में ना बार बार use आएंगे. So rather than ignoring those terms, आप लोगों को उन terms को अभी से समझ लेना है. ऑपरेशन मतलब होता है द पर्पस फॉर विच वी हैव स्टार्टेड बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आज मेरे को इस बिल्डिंग से पढ़ाने से जो इनकम होती है वो मेरी आउट ऑफ माय ऑपरेशनल इनकम है. या मैं कहूँ जब भी मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई खर्चा करता हूँ तो मैं कहता हूँ वो मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा है. वही मैं कहूँ मेरी बिल्डिंग है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आया उसने बोला हमें यहाँ पे हमारे पार्टी वर्कर की फ़ोटो लगानी है और उस फोटो के लिए मैं मंथली आपको 10,000 रुपये दूंगा. मैंने कहा ठीक है यार लगा लो. सो दिस 1,20,000 जो मुझे एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे दैट इज नॉट रिलेटेड टू माई ऑपरेशन बिकॉज माई ऑपरेशन वॉज नॉट टू गिव माई बिल्डिंग ऑन रेंट for holdings, but my operation was to teach students and collect fees from them. So basically, I have given you example for revenue, but I'm trying to make only explain the meaning of operations here. So मैंने कहा जो भी मेरे business से related अगर चीजें हैं तो automatically वो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा मेरा revenue expenditure. Otherwise मेरा क्या रहेगा वो capital. Again मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इसके example की तो I will use one example which is जैसे कि मैंने जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एग्जांपल दे दिया प्रोफेशन वाला लाइक रेंट फॉर होर्डिंग्स. ठीक है, सो यू विल रिमेंबर. अगेन दीज आर नॉट डायरेक्ट एग्जांपल्स, दे आर इनडायरेक्ट एग्जांपल ओनली टू कनेक्ट विद द ऑपरेशंस. अब मैंने कहा कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग. अब अगेन इन दोनों में से आपको एक कंडीशन मतलब अगेन यू विल चेक कंडीशन नंबर वन. इफ दिस इज सेम you will go to point number two. When you will come to point number two, you will see whether it's recurring. If it is recurring, again it is revenue. If it is related to operation, again it is revenue. But again, in dono mein se kuch bhi nahi hota hai. So you will see what? You will again go to that particular part, ke revenue hai ya capital. Kyunki wapis confusion start ho jayega. So ultimately, aap is confusion ko close kaise karoge? You will close this particular chapter by saying, ke agar main kahun ke mera yahan pe capital ho gaya, theek hai. अगर मैंने कहा यहां पे मेरा ये कैपिटल नहीं हुआ एज इन मतलब रेवेन्यू में भी नहीं आया, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए, तो अल्टीमेटली आई विल से यू हैव टू लुक एट द डायरेक्ट बेनिफिट्स. बेनिफिट्स देख के यू हैव टू क्लोज द मैटर. ओके, सो दिस इज द थंब रूल फॉर क्लासिफाइंग. ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू नो, नॉट इवन इन देयर 11th, नॉट इन देयर बेसिक स्टडीज, बट आई विल से दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इवन व्हेन दे गो फॉर सीए फाइनल एग्जाम, आईपीसीसी एग्जाम, सीएस फाइनल एग्जाम, सीएमए एग्जाम्स. All the students, even I have seen people struggling when they reach CFA level, they have a lot of problem in identifying or differentiating between capital expenditure and revenue expenditure. So I was just trying to explain you कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि जब भी हम लोग expenditure को classify करते हैं revenue और capital में, तो revenue expenditure ultimately converts into your expenses which will ultimately help you in identifying what is your profit or loss for the year. But I have not explained you कि जो capital expenditure होता है ultimately वो होता क्या है.
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट इज समथिंग आउट ऑफ विच यू आर एक्सपेक्टिंग बेनिफिट इन द फ्यूचर, और जिस भी चीज की वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है दैट आर नोन एज योर एसेट्स. मतलब एसेट्स आर समथिंग आउट ऑफ विच यू कैन एक्सपेक्ट बेनिफिट इन फ्यूचर. सो अल्टीमेटली आई कैन से कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा प्रॉफिट और लॉस निकालने के काम में आता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अल्टीमेटली मेरे एसेट्स होते हैं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है. क्लियर है? अगेन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो पूरे रूल को अच्छे से सारा का सारा क्रक्स निकाल देगा. मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशन दी. मतलब डोनेशन इज अगेन नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस एंड डोनेशन इज नॉट रेगुलर ऑल्सो. इट डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग इन बिजनेस, वॉट इज योर मूड एंड हाउ यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैरिटी और डोनेशन. तो मैंने कहा नंबर वन चीज, मैंने कहा रूल वन, अर्निंग कैपेसिटी. विल इट इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी? ऑब्वियसली नॉट. सो अर्निंग कैपेसिटी विल रिमेन सेम. वी विल गो टू पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू सेज वॉट, कि अगर रेकरिंग है तो रेकरिंग है क्या? ये रेकरिंग है? ऑब्वियसली नॉट. इट्स नॉट रेकरिंग. सो हियर इट्स अ बिग क्रॉस. Is it related to your operation? Again, big cross. Then the third point will come, benefit. Do you really think you will receive any benefit in future out of it? No. So ultimately, it will be your revenue. Because point number one is not satisfied, point number two is not satisfied. Ultimately, we'll look at the benefit. Benefit not received in future. So this is what? This is your revenue expenditure. Because there is no benefit which you will receive in future. Okay. Revenue means ultimately expenses. Capital means your asset. I hope this is making sense. We have clarified, we have studied three different principles: money management, accounting period and accrual. Then we have studied expenditure, how to classify expenditure between revenue and capital, how revenue will be ultimately converted into expenses, how capital will be ultimately converted into assets. Now the last part, or I will say the last basic of this lecture number two, is basis of accounting. मतलब आप जो ये समरी बना रहे हो ना, मतलब द समरी दैट यू आर मेकिंग, समरी आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी. वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टाइम्स. समरी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो. एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज अल्टीमेटली योर प्रॉफिट, और दैट इज अल्टीमेटली योर लॉस. ये आपका प्रॉफिट या लॉस होता है. मैंने कहा अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट, मैंने आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट कनेक्ट किया था. मैंने आपको बोला था इस रेवेन्यू में आप वो अमाउंट भी लोगे जो आपने रिसीव किया या रिसीव नहीं किया, इसमें वो भी लोगे जो आपने रिसीव नहीं किया. सो अल्टीमेटली दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अक्रूवल. सो आई विल से कि बेसिस में दो होते हैं, या तो यू हैव योर कैश बेसिस, व्हाट कैश बेसिस विल स्पेसिफाई, और आई विल से द अदर पार्ट विल बी अक्रूवल. अक्रूवल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट मैं अभी भी आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा सो दैट पूरा क्लियर हो जाए. मैंने कहा आपको समरी, समरी में अपन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं. ये प्रॉफिट और लॉस निकालते वक्त हम दो बेसिस फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, या आइदर कैश और अक्रूवल. कैश सेज दैट कि जब भी मैं अपना रेवेन्यू लिखूंगा, सो दिस रेवेन्यू विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. इसका मतलब क्या है कि जब अपन लोग अपना रेवेन्यू लिखेंगे तो हमारे रेवेन्यू में सिर्फ वही चीज आएगी जो इस साल हमें रिसीव हुई है. इसका मतलब अगर मुझे इस बार 5 लाख रुपए मिले, उस 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो पिछले साल के थे, तो इसका मतलब इस साल के लिए कितने हुए? 4. प्लस मैंने कहा 2 लाख रुपए मेरे किसके लिए थे? अगले इसी साल के थे बट अभी तक मिले नहीं. फिर भी मैं अपनी इनकम यहाँ पे रेवेन्यू अपना कितना बुक करूंगा? 5 लाख. बिकॉज कैश बेसिस सेज दैट आई हैव टू रिसीव व्हाट आई हैव रिसीव, आई हैव टू राइट व्हाट आई हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर. इट मींस आई हैव टू इग्नोर द फैक्ट इट इज फॉर द ईयर, इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इट वॉज फॉर द प्रीवियस ईयर. ठीक है, फिर उसमें से मैं अपने एक्सपेंसिस माइनस करूंगा. अगेन एक्सपेंसिस कौन से वाले? एक्सपेंसिस वो नहीं जो मैंने इस साल पे किए या नहीं किए. एक्सपेंसेस सिर्फ वो विच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर. मतलब अगर मैंने कोई खर्चा इस साल का अगले साल दूंगा तो उसका खर्चा इस साल नहीं लिखूंगा, मैं कब लिखूंगा? अगले साल. जबकि अक्रूअल बेसिस बिल्कुल ऑपोजिट है. अक्रूअल बेसिस क्या कहता है? इस साल का पैसा इसी साल रिकॉर्ड होगा, पे किया या नहीं.
एग्जाम्पल मैं आपको नीचे लिख के दे रहा हूँ, यह अक्रूवल क्योंकि मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ सो दैट दोनों बेसिस से अपन लोग निकाल के देख लें। मैंने कहा रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड इज 1 lakh, रेवेन्यू नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर इज 50,000, योर एक्सपेंसेस पेड इज 20,000, योर एक्सपेंसेस ड्यू मतलब विच आर पेएबल 30,000। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैश बेसिस, व्हाट आई से इज दैट इन माय रेवेन्यू आई विल नॉट रिकॉर्ड द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बोथ आई विल नॉट राइट। इन केस ऑफ कैश बेसिस आई विल राइट द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड इज 1 lakh। अगेन नॉट रिसीव्ड आई विल इग्नोर, I will only record in cash basis the cash which I have received. When I talk about expenses, I say I have incurred expenses worth rupees 20,000 and 30,000 ka expenses due. So in recording expenses, I will record only 20,000, the expenses which I have paid. It means what will be the profit for the year? It will be 80,000. It will be how much? 80,000. Aa raha hai samajh mein? Maine kaha then the next part. Maine kaha if I say this is cash basis, what is accrual? I have explained you earlier, boss. रेवेन्यू की जब भी मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू मीन्स व्हाट? इट मीन्स द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, इट इंक्लूड्स बोथ। सो माय रेवेन्यू फॉर द ईयर विल बी 1,50,000, वेयर एज माय एक्सपेंसेस व्हेन आई टॉक अबाउट, सो एक्सपेंसेस विल बी 20,000 एंड एक्सपेंसेस विल बी 30, सो इन ऑल आई विल से माय टोटल एक्सपेंसेस विल बी 20,000 प्लस 30,000, सो माय टोटल एक्सपेंसेस विल बिकम 50,000, सो आई विल से माय टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इन दिस केस विल बी 1 lakh। सो आई होप यू अंडरस्टूड देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। यस आई हैव टोल्ड यू देयर इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच सेज दैट वी शुड फॉलो अक्रूअल, अक्रूअल इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द बिजनेस, वेयर एज कैश बेसिस इज जनरली प्रेफर्ड इन द बिजनेस वेयर इन द ट्रांजेक्शन आर सच दैट यू कैनॉट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, और कैश बेसिस विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर। अगेन ईयर प्रॉफिट इज 80, ईयर प्रॉफिट इज 1 lakh। सो आई होप यू अंडरस्टूड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? बिकॉज इन द रेवेन्यू वी आर इग्नोरिंग द अमाउंट विच यू हैव नॉट रिसीव्ड, वेयर वी आर कैलकुलेटिंग ईयर। अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपेंसेस वी आर टेकिंग 20, मीन्स वी आर इग्नोरिंग 30 विच वी हैव नॉट रिसीव्ड। Here we are taking the expenses which we have received or which we have not received. If I'll give you the crux of lecture number 1, हम लोगों ने lecture number 1 में accounting पढ़ा था, bookkeeping पढ़ा था, accountancy पढ़ा था, फिर इन तीनों को अच्छे से analyze किया था। Bookkeeping is part of accounting, accounting is recording, classification, summarizing, interpretation and analysis, wherein we are studying a subject named accountancy because we are taking knowledge about accounting. Then we have discussed in lecture number 2, we have discussed 3 important principles. What are 3 important principles? Number 1, money measurement. Number 2, accrual, and number 3 is accounting period. Then we have gone to the expenditure part. Expenditure can be classified into 2 parts. One is revenue, one is capital. How you can classify, what are the terms on which you can classify? I have given you 3 rules which you have to apply one by one. Then I have taken up one thing which is the basis. आप कोई एक बेस लोगे अकाउंटिंग का, आइदर कैश और अक्रूअल, इन दोनों में से एक बेस लेके ही आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। बोथ द मेथड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अक्रूअल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड व्हिच इज मोर प्रेफर्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन।